देखो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किचॉप्स लॉ स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने केसीएल देखा था, किचॉप्स करंट लॉ। और इस जगह से पहले मैं ऊपर लेके चलता हूँ और रिवाइज थोड़ा करा देता हूँ। देखो बल्ब्स के प्रॉब्लम्स वगैरह किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था बल्ब किस तरीके से काम करता, और बल्ब्स में हम लोगों ने रेटिंग का क्या मतलब होता है ये देखा था। 100 वाट 220 वोल्ट अगर सप्लाई होता है तो उससे हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं, और फिर रेजिस्टेंस से हम लोग कंपेयर करके पावर निकाल लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे किए थे अटेम्प्ट। उसके बाद फिर किचॉप्स लॉ स्टार्ट किया था। किचॉप्स लॉ में हम लोगों ने किचॉप्स करंट लॉ देखा था, जिसको हम लोग केसीएल या फिर जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। और इस जंक्शन लॉ क्या बोलता है, ये जंक्शन लॉ ये बोलता है किसी भी जंक्शन पे ढेर सारे करंट कैरिंग वायर आकर के अगर मीट कर रहे हैं तो उस पे नेट जो समय अल्जेब्रिक समेशन ऑफ चार्जेस होगा वो जीरो होगा। और उसी समेशन से हमें क्या निकल के आता है कि जो करंट होगा I1 + I2 + I3 + I4 अब तो जितने भी मतलब वायर्स वहाँ पे आ रहे हैं उसके समेशन क्या होंगे, जीरो। अब अगर सभी करंट का एक डायरेक्शन है तो उसे पॉजिटिव लिया जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो भी फ्लो कर रहा है उसे नेगेटिव लिया जाएगा। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने फिर क्वेश्चन वगैरह किए थे, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं किरचॉप्स वोल्टेज लॉ केवीएल। किरचॉप्स वोल्टेज लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग के वी एल भी बोलते हैं, और इसे हम लोग लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ भी बोलते हैं इसको। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए, और ये केवीएल जो हम लोग बहुत ज़्यादा लगाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। केवीएल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना केसीएल इंपॉर्टेंट है केवीएल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अगर नहीं आता है तो समझ लो फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन वगैरह तुमसे नहीं बनेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हें जा करके कैपेसिटेंस चैप्टर जो है उसमें भी यूज़ होगा, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केवीएल जो है किस पे बेस्ड है, और ये थ्योरी बोलता क्या चीज़ है ना, जो लॉ है बोलता क्या। तो बोला गया कि अगर कोई एक सर्किट होता है तो सर्किट में या तो लोड होता है या तो सप्लाई होता है। जैसे मान लो कोई भी एक सर्किट है तो इस सर्किट में या तो लोड होगा या तो सप्लाई करने वाला होगा। लोड का मतलब जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, और सप्लाई का मतलब जो एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। बस दो ही तरह के चीज होते हैं, लोड एंड सप्लाई। तो हमें पता नहीं है कि लोड कौन सा और सप्लाई कौन सा, तो सबको लोड तुम मान सकते हो चाहे तो सबको सप्लाई मान सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर कोई लोड है और तुमने इसको सप्लायर माना है कि ये सप्लाई कर रहा है एनर्जी, तो उसको मुझे माइनस ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा। मान लो एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम वो सप्लाई कर रहा है, तो क्योंकि एक्चुअल में सप्लाई नहीं कर रहा, वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसे निगेटिव में हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने बता दिया तुम्हें, लोड और सप्लाई इसमें कुछ भी हो सकता है। तो लेट से ये एक लोड है, ये एक लोड है, और ये भी लोड है, या फिर ये एक सप्लायर है। हमें पता नहीं है कौन सप्लायर कौन लोड है, किसी को भी कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन जब हमें सर्किट मिलेगा तो उसमें हमें अच्छे तरीके से पता होगा कि ये लोड है और ये सप्लायर है। तो उसके हिसाब से पोटेंशियल डिफाइन होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल डिफाइन होता है। ओके, तो अगर ये लोड है तो इस लोड के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक रजिस्टर है तो इस तरफ पॉजिटिव होगा और इस तरफ नेगेटिव होगा, और करंट का अगर ये डायरेक्शन है तो प्लस माइनस डिफाइन हो गया, तो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, डेल्टा वी होगा। और बैटरी है तो भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, ऐसा तो नहीं है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये भी इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। तो लेट से कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो V1 है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है वो V2 है, इसके क्रॉस V3 है, और इसके क्रॉस V4 है, ऐसा। और बाकी वायर्स हैं जिसके क्रॉस कोई भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। तो इसने किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में भी यही बोला गया कि
कि अगर हम लोग एक लूप में जहां से चले थे वापस वहीं पे जा करके एंड हो जाए, जिस जगह से चला था उसी जगह से चलते चलते वापस उसी जगह पे पहुंचे एक लूप में, तो हर एक पोटेंशियल का एल्जेब्रिक समेशन जीरो होता है। समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? यस सर, इसमें ये बोला गया है कि द एल्जेब्रिक समीशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल लोड और सप्लाई इन ए क्लोज लूप इज जीरो, इन ए क्लोज लूप इज जीरो। तो मान लो कि करंट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे किसी एक जगह से चलना होगा, इस जगह से चला और इस जगह से चला तो इसके क्रॉस पोटेंशियल का कितना ड्रॉप है? V4, फिर आया V1, फिर V2, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 दिस विल बी इक्वल्स टू जीरो, ये इस बात को बताता है। ठीक है, तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द लोड्स और द सप्लाई इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। जहां से चला था उसी जगह पे हमें आ जाना है एक लूप में, तो हमें सभी का एल्जेब्रिक समेशन क्या मिलेगा? जीरो। एक बात तुमने इसमें नोट किया होगा या फिर नहीं किया होगा, मैं बता देता हूँ कि इसने बोला है कि सिर्फ लूप में चलना है और क्लोज लूप में। इसने ये नहीं बोला है कि तुम्हें करंट का डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा। तुम चाहे करंट के डायरेक्शन में चलो या फिर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलो, तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है? सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं और इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा लॉ है ये आया कहाँ से, इसको कोई बता सकता है? ये किस पे बेस्ड है? ये लॉ जब सेम चार्ज में आते तो सेम पोटेंशियल ही होता है, घूम फिर के किधर से भी जाए। लाइक अगर एक पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल है और फिर बीच रास्ते में पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, ऐसा वापस उस पॉइंट में आएंगे तो वही पोटेंशियल है, तो टोटल जीरो पोटेंशियल ही होगा नेट चेंज। नहीं, ये तो मतलब कि ऐसा हो गया, तुमने अगर यहाँ पे जीरो बोल दिया है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा हायर पोटेंशियल होगा, फिर इस जगह पे हायर पोटेंशियल है, फिर लोअर पोटेंशियल होगा, तो वापस इस जगह पे तुम आओगे तो जीरो ही मिल जाएगा। ये तो तुमने जीरो डिफाइन कर दिया ना, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को किस पे बेस्ड बोला जाएगा? जैसे इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था हमारा के सीएल का, वो बोला गया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लेकिन तो ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बताओ एनर्जी से कंजर्व कैसे करके ये फॉर्मूला डिराइव किया गया, बता सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन तो बोला गया। सर लाइक अगर एनर्जी कंजर्व वाला कंजर्वेटिव एनर्जी होगा तो फिर साइक्लिक में वो एनर्जी चेंज जीरो होगा, उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज भी जीरो होगा, नहीं, उसका मतलब पोटेंशियल भी जीरो होगा। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं। थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन उस जिस तरीके से तुम्हें बोलना चाहिए उस तरीके से नहीं बोल रहा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे इस तरीके से बेस्ड है कि मान लो कोई भी चार्ज अगर एक लूप में फ्लो करता है उसी सर्किट, ठीक है, ये ऐसा सर्किट है और इस सर्किट में फ्लो करता है बैटरी, है मान लो इधर से, तो अगर कोई भी चार्ज डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ट्रेवल करता है तो
उसका पोटेंशियल एनर्जी या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है, डिपेंड करता है कि हायर पोटेंशियल पे जा रहा है या लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। लेकिन जो भी चेंज होता है उसके एनर्जी में वो कितना होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अब तुम सोचो कि अगर मैं किसी भी चार्ज को इस जगह से घुमा करके वापस से इसी जगह पे लाऊंगा तो क्या इसका टोटल चेंज जीरो होना चाहिए, यानी लूप, है ना। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आगे की डायरेक्शन में होता है, और कभी भी अगर मैं एक चार्ज को इस तरीके से लूप में लेकर के आऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो चार्ज को तुमने घुमा करके लाया तो उसका नेट चेंज कितना हो गया, जीरो हो गया। तो क्या मैं हर एक का समेशन लिखूंगा, क्योंकि इस जगह पे भी लोड है, इस जगह पे भी लोड है, इस जगह पे सप्लाई है, इस जगह पे लोड है, हर एक पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू मैं इसको घुमाऊंगा, तो कहीं पे इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इट इज सप्लायर और द लोड। तो हर एक का समेशन डेल्टा यू वन प्लस डेल्टा यू टू प्लस डेल्टा यू थ्री अप टू सो ऑन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और सभी में वैल्यू पुट कर लो, क्यू डेल्टा वी वन, क्यू डेल्टा वी टू, क्यू डेल्टा वी थ्री, क्यू सभी से कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर हमारा ये आ जाएगा। ओके, चलो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को करना, और उसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेट्स से कि एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से गिवन है और इक्वेशन कैसे बनाना है उसे सीखना है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लो कि ये एक सर्किट दिया गया है कुछ ऐसा, ये 10 है, ये 10 है, और ये 5 है, और ये 1 है, और ये 2 है, और ये 2 है। तो पूछा गया इस लूप में करंट कितना है, बताओ, फाइंड आउट कितना करंट इस लूप में या फिर इस सर्किट में है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, केवीएल जब भी हम लोग लगाते हैं तो सबसे पहला काम हमें करंट एज्यूम करना होता है। एज्यूम करंट इन द सर्किट, तो मैं मान लेता हूं मुझे नहीं पता कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर अनुमान लगाएं तो तुम्हें क्या लग रहा है, इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या ये 10 वोल्ट की बैटरी और ये 5 वोल्ट का जो बैटरी है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है ना, लेकिन ये 10 वोल्ट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। दो हाथी अगर एक रस्सी को खींचना चाह रहे हैं और दोनों के पास सेम पावर है तो रस्सी ना तो इधर जाएगा ना तो उधर जाएगा, इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, जीरो। हाथी क्या, पोटेंशियल। लेकिन अगर इधर दो हाथी लग गया और इस तरफ एक ही हाथी है तो अब आसानी से रस्सी इस तरफ चला जाएगा, गिवन दैट इन दोनों का जो स्ट्रेंथ है इससे बड़ा है। समझ में आया क्या, उसी तरीके से हम लोग पोटेंशियल को भी देखते हैं और करंट को उसी तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो देख के लग रहा है कि हाँ ये दोनों जो है आपस में कैंसिल आउट कर देगा, 5 यहाँ पे बच जाएगा अकेला, वो रूल करेगा और करंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, करंट को उल्टे डायरेक्शन में ज़ूम करूँगा, नहीं मुझे नहीं पता है ना, ऐसा तो सिंपल सर्किट बार बार नहीं मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। तो लेट से करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तुमने एक बार एज्यूम कर लिया, ठीक है, एज्यूम करंट इन द सर्किट डायरेक्शन जो भी है। अब दूसरा क्या करना है, असाइन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स टू ईच सप्लाई एंड लोड, असाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू ईच लोड एंड सप्लाई।
तो जब भी हम लोग लोड का बात करते हैं जनरली रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस में प्लस माइनस डिसाइड करना काफी आसान है। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वो हायर पोटेंशियल और इस तरफ लोअर पोटेंशियल, हर एक रेजिस्टेंस का ऐसा ही काम होता है, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। लेकिन बैटरी अपना प्लस माइनस खुद डिसाइड करती है, वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। जैसे कि इसका प्लस और माइनस इधर होगा, लेकिन इसका प्लस माइनस करंट से इस तरफ होगा। समझ में आया क्या? दूसरा स्टेप क्या हाँ है, सर, असाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू ईच लोड एंड सप्लाई, ये दूसरा काम करना। अब तीसरा क्या करना है, अप्लाई सर्किट इक्वेशन। तो सर्किट इक्वेशन अप्लाई कर देना। अब सर्किट इक्वेशन कैसे हम लोग करते हैं, लिखते हैं, किसी भी एक जगह से स्टार्ट करो। मैं चलो इस जगह से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस जगह से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे पहुंचा, तो मुझे क्या मिला, पहले प्लस मिला, प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस, तो -10 लिख दिया। और फिर आगे चला तो क्या मिला, प्लस मिला, प्लस का उल्टा माइनस, आई इंटू आर, तो आई इंटू टू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो है वो टू आई हो जाएगा। फिर आगे चला, आगे चलने के बाद मिला मुझे माइनस, माइनस का उल्टा प्लस होता है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10। फिर आगे चला और मिला प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 1 आई। और फिर आगे चला तो प्लस हुआ, प्लस का उल्टा माइनस, ये हो जाएगा 5। और ये प्लस फिर से, ये हो जाएगा माइनस 2 आई, इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल है, 10 और 10 कैंसिल आउट हो रहा है। इक्वेशन से भी तुम्हें पता चला कि ये दोनों बड़े हाथी जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, 2 4 1 5, -5 वन आई इज इक्वल्स टू 5, और आई इज इक्वल्स टू क्या आया, -1। इस -1 का क्या मतलब है, एम्पियर अपोजिट डायरेक्टली बताओ। डायरेक्शन में हमने जो जहां करंट का मौसम डायरेक्शन थे। अज्यूम किया था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मींस अपोजिट डायरेक्शन टू द एज्यूम करंट, जो भी डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये करंट फ्लो करेगा, और मैग्नीट्यूड में कितना है, 1 एम्पीयर। समझ में आया क्या सबको? यस सर। तो अगर समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन फिर मेरे, अच्छा इसमें एक और चीज बताना है कि सर अभी तो आपने देखो करंट के डायरेक्शन में ही चला, आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो क्या होता है। अब हम लोग ऊपर से ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक है, और सभी को ये बताएंगे कि इक्वेशन क्या होगा, मुझे सिर्फ इक्वेशन लिखना है, बोलो। पहले क्या मिलेगा, माइनस, माइनस का उल्टा प्लस 2 आई। फिर क्या मिलेगा, माइनस, माइनस का उल्टा प्लस 5। फिर क्या मिलेगा, माइनस उल्टा प्लस आई। फिर क्या मिलेगा, प्लस का उल्टा माइनस 10। फिर क्या मिलेगा, माइनस, माइनस का उल्टा प्लस 2 आई, और फिर माइनस का उल्टा प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? नो सर, क्या इक्वेशन में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? बस ऊपर वाले इक्वेशन को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, और कुछ है ना? यस सर, हाँ, नो तो सर, नोटबुक में तुम्हें इसी तरीके से इक्वेशन बनाया हुआ मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो बस इस तरीके से एज्यूम करके चलता है और इक्वेशन वैसा आता है, ठीक है। ओके सर। अब चलो आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तुम लोग करके बताओ मुझे।
ये लो, बताओ करंट इस सर्किट में कितना होगा, फाइंड करो। इजी क्वेश्चन, सर वो 10 वोल्ट के लेफ्ट में 1 ओम है कि 2 ओम? ये 1 ओम है, 10 के लेफ्ट में। हाँ सर, सही ओके सर। है, तो काफी इजी सर क्वेश्चन टू है, पॉइंट टू फाइव एम्पियर आ रहा है। पॉइंट फाइव आ रहा है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि किस डायरेक्शन में हमें करंट एज्यूम करना चाहिए, या फिर हो सकता है। तो ये 10 जो है और ये 10 एक दूसरे को कैंसिल करते हुए नजर आ रहा है, और एक 15 ये है और ये 10 है, और दोनों एक दूसरे को अपोज ही कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। 15 तब जीत जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। मैंने अज्यूम कर लिया कि चलो इस डायरेक्शन में करंट आई है, और प्लस एंड माइनस, माइनस प्लस, प्लस एंड माइनस, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस के क्रॉस प्लस माइनस डिसाइड होता है। प्लस एंड माइनस, और अब मैं स्टार्ट करता हूँ। किसी भी एक जगह से चल सकते हैं, इस जगह से चलते हैं। प्लस आया, उल्टा हो जाएगा माइनस ऑफ 2i, और फिर आया प्लस 10 माइनस ऑफ 2i, प्लस माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 2i, माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 3i, प्लस 15 माइनस आई इज इक्वल टू, अब इसको देखो कितना आ रहा है, 2, 4, 6, 9, 10 माइनस ऑफ 10i, और 10 एंड 10 कैंसिल आउट हो गया, 10 के साथ जाएगा, और ये प्लस आई इज इक्वल टू 0 बचेगा। सो आई विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10, विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पीयर। समझ में आएगा सबको? क्लियर? यस सर, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा है ये दे रखा है, तो मैं 6 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, 5 ओम, 5 ओम एंड 5 ओम सॉल्व कर। तो पूछा गया फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, देखो क्या करो इसमें। सबसे पहले तो करंट एज्यूम कर लो, एक ब्रांच में I1 एज्यूम कर लो, और अगर तुम्हें एक से काम नहीं चल रहा है, दो दो में मान एज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है, तो I2 एज्यूम कर लो। उसके बाद फिर KVL लगा दो, और KCL भी लगाओगे। मैं करता हूँ पहले इसको, उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट करना, ठीक है? देखो देखो, तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। एक मान लेता हूँ कि I1 करंट इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। डन सर। क्या आ रहा है आंसर? सर वो I1 2 एम्पियर आएगा और I2 वही डायरेक्शन में 0.6। हाँ, जो डायरेक्शन आप मार के हो उसमें ऐसा आएगा, और वो बीच वाले ब्रांच में 2.6। तो इस जगह पे मैं जंक्शन लगाऊंगा, बेसिकली I1 इधर से करंट आ रहा है और I2 करंट इधर से आ रहा है, तो दोनों इधर डायरेक्शन में चल जाएगा। तो इस वाले ब्रांच में जो करंट होगा I3 होगा, और I3 का वैल्यू कितना होगा, I1 प्लस ऑफ I2। तो पहले ही अननोन को रिप्लेस कर दो, ताकि ढेर सारे इक्वेशन बनने की जरूरत ना हो।
पहला लूप लॉ लगेगा इस वाले में और दूसरा मैं लूप लॉ इस वाले में लगा दूंगा, ठीक है। तो अननोन जितने आएंगे उतने इक्वेशन बनने चाहिए तुम्हें, अगर उतने इक्वेशन नहीं बने हैं तो इक्वेशन सॉल्व हो नहीं सकता है। जैसे आई वन और आई टू दो अननोन है, आई थ्री तो फाइंड आउट किया हुआ है ना, डेट इज आई वन प्लस ऑफ आई टू, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन होंगे। पहला इक्वेशन इस वाले से आएगा, इस जगह से स्टार्ट करता हूँ मैं, तो माइनस प्लस आएगा माइनस उल्टा प्लस 20 हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस होगा माइनस ऑफ 5i1 प्लस i2, और इधर प्लस माइनस होगा क्योंकि करंट इस तरफ ऑफ कितना चल जाएगा, i1 चल जाएगा। एक सर्किट में एक ही करंट होता है, ऐसा नहीं कि इधर से i1 जा रहा है दूसरी जगह से i2 निकलेगा, नहीं। और फिर वापस से मैं इस जगह पर पहुंच गया, एक प्लस 2 हो जाएगा 0, सो 20 4 माइनस ऑफ i1 माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन इस वाले से लगाएंगे और मैं इस जगह से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर की डायरेक्शन में, माइनस और प्लस आ जाएगा तुम्हारा प्लस 6, और फिर इधर आया सर एक और माइनस 5 आएगा ना इस इक्वेशन में, माइनस 5 i1 प्लस i2 फिर से माइनस 5 y। अच्छा मैंने इसको ऑन ही नहीं किया, सॉरी। तो इधर आ गया प्लस का उल्टा माइनस 5 ऑफ i1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ i1 है ये, देखो सही है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और दूसरा इक्वेशन इस जगह से बना रहे थे 6 हुआ और इस तरफ गए तो माइनस 10 का उल्टा माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 5 i1 प्लस i2, और फिर इस जगह पे आएंगे तो प्लस माइनस माइनस ऑफ 5 i2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 5 2 i1 प्लस आई इस बार जो ट्वाइस होगा तो इसमें i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, और इसी इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना पड़ेगा, 4 इज इक्वल टू 2i1 माइनस ऑफ i2 प्लस फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मैं बना लेता हूँ 6/5 इज इक्वल टू i1 प्लस ऑफ 2i2 ऐसा, और ये दूसरा इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, सबट्रैक्ट करें डिवाइड करें? ऐड कर देंगे तो i3 मिल जाएगा, ऐड करने पे कुछ मिलेगा या फिर सब पहले मल्टीप्लाई करना होगा, टू से मल्टीप्लाई करना होगा किसी एक इक्वेशन को। कौन से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, टू से? टू से वाले को। चलो ठीक है, दूसरे वाले को टू से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, हो जाएगा 12/5 इज इक्वल टू 2i1 प्लस ऑफ 4 i2, और ये इक्वेशन एज इट इज मैं लिख देता हूँ 4 इज इक्वल टू i1 प्लस ऑफ i2, और मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा 3i2, और इधर से कितना बचेगा 12 माइनस 20 डिवाइड बाय 5। ये तो अब तुम्हारे पास आंसर आ चुका है, सो 3i2 इज इक्वल्स टू कितना नजर आ रहा है, माइनस 8 बाय 5। और i2 फाइनली कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाय 15,
तो आई टू का वैल्यू नेगेटिव आया। इसे नेगेटिव का क्या मतलब होता है? अपोजिट डायरेक्शन में जहां पे हमने अज्यूम किया हमने था। जो अज्यूम करा डायरेक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। समझना बात को अच्छे तरीके से। हमें क्या लगा था? मुझे लगा था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस तरफ, तो बैटरी इस डायरेक्शन में इसको करंट को फ्लो करा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जो करंट है इधर से निकला, कितना वोल्टेज है? 20। इधर से जो करंट निकला, ये करंट इस तरफ गया और इस तरफ ऐसा गया। इसका मतलब ये बैटरी जो है वो सोर्स की तरह काम कर रहा है या लोड की तरह? ये वाला लोड की तरह, लोड सिक्स की वाला। तरह काम कर रहा है ना? तो ऐसा एकदम श्योर नहीं हो सकते हो तुम जेई में कि हाँ ये करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर तुम्हें जेई में क्वेश्चन दे देता है तो तुम डायरेक्शन को बिल्कुल मैनिपुलेट मत करना कि हाँ डायरेक्शन मुझे पता चल गया तो आंसर पता चल गया, क्योंकि इसमें मिस्टेक भी हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 20 जो वोल्ट है बैटरी का वो काफी ज्यादा है। अगर वही मैं इस जगह पे 7 दे देता तो फिर चांसेस था कि ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, लेकिन 20 पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है कि इस तरफ के करंट के डायरेक्शन को भी ओवरकम कर दिया। ये 6 इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना चाह रहा था, लेकिन ये 20 इतना ज्यादा करंट फ्लो करा रहा है कि अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। काइंड ऑफ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब आई टू तुम्हें पता चल गया तो तुम आई वन भी निकाल सकते हो किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके। ओके अच्छा ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करो फिर। घूम दिया, इसे भी 5 ले लो, इसे भी 5, इसे भी 5 और इसे भी 5 ओम ले लेते हैं। और जो बैटरी है सभी बैटरी को 10 वोल्ट में बोल लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करो और बताओ हर एक ब्रांच में करंट कितना है। सो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करंट के डायरेक्शंस को अज्यूम कर लेते हैं, कौन कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा हमें एक्चुअली पता नहीं है। तो इस डायरेक्शन में करंट को मैं आई वन अज्यूम कर लेता हूँ, और सिंपल ही रखने के लिए मैं इस वाले डायरेक्शन में करंट को आई टू अज्यूम कर लेता हूँ। तो दोनों करंट इस तरफ से जाके मिलेगा, तो इसमें करंट कितना हुआ? आई वन प्लस ऑफ आई टू। समझ में आया सबको? मैंने इस जगह पे जंक्शन ला लगा दिया बराबर, ताकि दोनों करंट का समेशन आई वन प्लस ऑफ आई टू हो जाएगा। और फिर क्या, प्लस माइनस तुम्हें डिसाइड कर लेना है करंट के हिसाब से। प्लस इधर होगा, माइनस इधर, प्लस माइनस एंड प्लस एंड माइनस। मैं रेजिस्टेंस में प्लस माइनस डिसाइड करूंगा, बैटरी में तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। अब एक लूप इसमें लगाऊंगा मैं और एक लूप इसमें लगाऊंगा मैं, तो इधर से दो इक्वेशन आ जाएंगे। हो सकता है कि कभी इक्वेशन इन दोनों सेम हो जाए, फर्स्ट एंड सेकेंड लूप से इक्वेशन सेम आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा इक्वेशन बनाने के लिए इस जगह से चलेंगे और वापस से इस जगह पे आ जाएंगे। तो ये भी तो एक लूप बन गया, तो लूप तुम किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो तीन लूप बन गया, तो ऐसा नहीं कि तीन इक्वेशन आ जाएंगे, बेसिकली तीनों में से दो इक्वेशन अलग होंगे और एक जो होगा उससे मिलता जुलता होगा।
फर्स्ट वाले के लिए मैं किस जगह से चलता हूँ, किस जगह से चलना स्टार्ट करता हूँ? इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, इस जगह पे माइनस है, माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस 10, और प्लस आया, प्लस का उल्टा माइनस 5i1, और फिर आया प्लस का उल्टा माइनस ऑफ 5i1, और फिर ऊपर जाएंगे, इस जगह पे माइनस आएगा, उसका उल्टा प्लस हो जाएगा 10, और फिर प्लस का उल्टा माइनस 5i1 प्लस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, 20, और i1 i1 and i1 माइनस 15, 5 से एक बार कट्टी कर लेता हूँ हो जाएगा 4, माइनस ऑफ ये 1 हो गया, 2 हो गया, और ये हो गया 3, माइनस 3 i1, और i2 कितना बचेगा, माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरा इक्वेशन मैं बना लेता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ इस जगह से, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए इधर आया पहले प्लस, प्लस का उल्टा माइनस ऑफ 10, और फिर माइनस ऑफ 5 i2, और प्लस का माइनस 5 i2, और ऊपर जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, माइनस है ये, और इधर प्लस का उल्टा माइनस ऑफ 5 i1 प्लस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0, और 5 से कट कर लेते हैं, ये 10 तो ऐसे ही कट गया, और बचा कितना, i2 and i2, 1 2 3, माइनस ऑफ 3 i2, और i1 कितना है, सिर्फ एक है, माइनस ऑफ i1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन देख लो एक बार सही आ रहा है या नहीं, बस इक्वेशन एक बार सही आ गया तो सॉल्व करना काफी आसान है, बस अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो मैं इधर से क्या बोल सकता हूँ कि जो i1 का वैल्यू है वो माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ i2, इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर लो, सो 4 माइनस ऑफ 3, i1 का वैल्यू माइनस ऑफ 3 i2 माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस माइनस प्लस 9 i2 माइनस ऑफ i2 इज इक्वल टू 0, सो 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9 सॉरी 8 i2, इधर से i2 कितना निकल के आया, 1/2 एम्पियर, और माइनस में निकल के आया, इस माइनस का मतलब क्या, हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो i2 निकल गया तो i1 निकल जाएगा, i1 कितना आ जाएगा, i1 विल बी इक्वल्स टू माइनस 3 i2, ये हो जाएगा 3/2 एम्पियर, समझ में आया क्या सबको? और ये तीसरा वाला है जिसमें i3 करंट होगा, वो i3 एक्चुअल में कितना होगा, i1 प्लस ऑफ i2, इन दोनों को ऐड कर लो, 3/2 माइनस ऑफ 1/2 कितना हो जाएगा, ये 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर का पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब कि हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया है वो सही डायरेक्शन है। सभी को समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये जो तरीका है केवीएल लगाने का वो हम लोग बहुत ज्यादा आगे जाकर के भी यूज करेंगे, तो अभी पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद फिर जब आगे काफी अच्छे अच्छे सर्किट बनेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे केवीएल किस तरीके से लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सर अभी इस चैप्टर में बस सर्किट से है क्या? हाँ, अभी रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस के बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होने के बाद फिर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट्स आएगा, ठीक है?
इसी में तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस अभी बहुत सारे बने हैं। चैप्टर पूरा सर्किट्स पे बेस्ड है हाँ, पूरा सर्किट ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सारे। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन में दो रेजिस्टेंस अगर R1 एंड R2 सीरीज में लगा हुआ है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस ऑफ R2। सीरीज में क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, दो रेजिस्टेंस सर, ये अगर, आरडी के सर ने करवाया था। कोई बात नहीं मैं फिर से कराऊंगा, दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर तीन रहे चार रहे तो भी लिख सकते हैं। क्या इसका डेरिवेशन सभी को आता है या फिर डेरिवेशन करने की जरूरत है? हाँ सर, आता है। डेरिवेशन आता है ना, बस पोटेंशियल डिफरेंस अज्यूम कर लेना। इसमें मुझे बस एक चीज बताना है कि कैसे तुम पता करोगे कि कोई भी दो रेजिस्टेंस तीन रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, हर एक को आता है ये फॉर्मूला, हर एक को आता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसे अजीब सीरीज कॉन्सेप्ट में, पता नहीं। सर सीरीज तब बोलेंगे लाइक जब करंट स्प्लिट नहीं होगा। अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है और मुझे वो पता लगाना है तो इस बात को ध्यान रखना कि जो करंट होगा दोनों रेजिस्टेंस में वो सेम होना चाहिए, या तीन रेजिस्टेंस या चार रेजिस्टेंस। अगर करंट सेम है तो सभी क्या होंगे, सीरीज में होंगे, ऑल विल बी इन द सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहचानने का तरीका क्या है, करंट विल बी सेम। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करने का क्या तरीका है बताओ? करंट स्प्लिट होगा या फिर लाइक डिफरेंट होगा? गलत, वोल्टेज सेम होगा? नहीं मतलब, हाँ वही वोल्टेज सेम करंट होगा। अगर तुम बोलोगे स्प्लिट है तो यहाँ तो बराबर दिख रहा है कि हाँ स्प्लिट हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि बार बार अगर स्प्लिट होगा तो ही मैं उसको पैरेलल में ही बोलूंगा। नहीं, मैं एक दो एग्जांपल करूंगा तुम्हें समझ में आएगा। इस जगह पे जब कभी भी किसी भी दो तीन चार दस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जितने भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे वो सारे क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस विल बी सेम, विल बी सेम। और जब ये चीज होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि सीरीज में, और जब ये चीज होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि वो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो चलो एक तो सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं हर एक चीज आता है अच्छे तरीके से एग्जांपल्स। अच्छा जरा ऊपर करो ना। हाँ फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सभी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालना है। ठीक है, और सभी रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड आर है और उन सभी रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया और ये प्लेन वायर है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। हमेशा इस बात को ध्यान रखना किसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला जा रहा है। सॉल्व करो फर्स्ट, डन सर, नारा आंसर 3 आर। 3R। सभी ने कर लिया,
कर लिया है, तो अब इस क्वेश्चन को करो। ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सभी रेजिस्टेंस आर है और कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। सभी का रेजिस्टेंस आर है और ए बी के क्रॉस तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बताओ फर्स्ट का आंसर कितना आया सभी का? 3 आर। 3 आर गलत है आंसर। और किसी का कुछ आया? चलो इसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हुआ। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टाइम के लिए, दूसरी तीसरी बार अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है और कॉन्सेप्ट वाइज हमेशा करना है। इस वाले को मैं जीरो पोटेंशियल असाइन कर रहा हूँ, तो इस जगह पे भी जीरो पोटेंशियल हो जाएगा, और क्योंकि वायर इस जगह पे गया है तो ये लोकेशन भी जीरो पोटेंशियल का हो जाएगा। और मान लो कि इस वाले को तुमने वी पोटेंशियल असाइन किया, तो इधर वी पोटेंशियल हो जाएगा और इस लोकेशन पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। पहला वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? अरे V है ना, वी तो जितने भी पोटेंशियल हमने डिफाइन करे, एक V डिफाइन किया और एक जीरो डिफाइन करने का जरूरत पड़ा, तो V और जीरो का मैं इन दोनों पॉइंट से डिनोट कर दिया। और पहला जो रेजिस्टेंस है वो जीरो और V के बीच में कनेक्टेड है, तो मैंने कनेक्ट कर दिया। वापस से उस सर्किट को रीअरेंज कर रहा हूँ। दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है? जीरो और वी। वापस से मैंने इसको जीरो और वी के क्रॉस कनेक्ट कर लिया, बिल्कुल सही। तीसरा वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी किसके क्रॉस कनेक्टेड है? जीरो और वी के बीच में। इसको भी अगर मैं जीरो और वी के बीच में कनेक्ट कर लूंगा तो ए बी के एक क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/3। आर बाय थ्री। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला बताओ क्या होगा आंसर। तारा सेकंड का आंसर तो बताओ। सर एक सेकंड। नहीं आ रहा? एक एक सेकंड तो पक्का कंप्लीट हो गया। रिडंडेंट सर। क्या रहा आंसर? जीरो। जीरो। आर इक्विवेलेंट जो होगा डेट विल बी जीरो। क्यों जीरो होगा? समझो कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अब इसके पास दो रास्ता है जाने के लिए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। कौन से रास्ते को चूज करेगा? वो दूसरे रास्ते को चूज करेगा। पहला रास्ता क्यों नहीं चूज करेगा? इस तरफ तो रेजिस्टेंस है ना, तो वो इस तरह से चला जाएगा और वापस से यहाँ पे आएगा। तो दो रास्ते हैं, एक इधर जाने का और एक इधर जाने का।
तो फिर से ये पहला रास्ता चूज नहीं करेगा, दूसरा चूज करेगा, क्योंकि इधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और ये फिर से वापस से वही काम करेगा। तो करंट जो है अपने आप को कुछ इस तरीके से फ्लो कराता है और उस पाथ को चूज करता है जिसमें रेजिस्टेंस सबसे कम हो। ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट उस तरफ बहुत ही कम जाएगा, कॉम्पिटिटिवली बात हो रही है। तो यहाँ पे एक करंट को फ्लो करने का एक साफ साफ जरिया दिख रहा है कि बिना रेजिस्टेंस के वो फ्लो कर सकता है, तो रत्ती भर भी करंट इस तरफ फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। समझा गया? तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? जीरो। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि एक रेजिस्टेंस लिया तुमने और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बना ना, है ना? यस सर, हाँ, तो अब थर्ड वाला करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। थर्ड का R/2 आ रहा है। R/2 चेक करें क्या सभी ने कर लिया है? सॉल्व करते हैं। देखो पहला ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस क्या है, किसमें? ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? R/2। टू और ये इसके साथ, सॉरी 2R है, सीरीज में ये रेजिस्टेंस 2R हो गया और ये R हो जाएगा, और ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये 2R रेजिस्टेंस और ये दोनों R रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में, क्योंकि ये पॉइंट देखो और ये पॉइंट देखो, क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? बिल्कुल है। ऐसा मत बोलना कि ये पैरेलल में, नहीं, सिर्फ ये दोनों ही पैरेलल में, और ये दोनों पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 3R, RR कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2R/3 हो जाएगा। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R/3। वापस से मैं इसको अब रिकंस्ट्रक्ट करूंगा, वापस से रिकंस्ट्रक्ट करूंगा और कैसा दिखेगा? ऐसा, ये आर और ये अब हो चुका है 2R/3, और ये ए और ये बी। बताओ क्या सीरीज और पैरेलल में ये बनता हुआ दिख रहा है? ये हाँ, किसमें है? ये सीरीज में, पैरेलल में नहीं है। तो अगर सीरीज में है तो अब इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2R/3 प्लस ऑफ आर, 5R/3। तो वापस से रिकंस्ट्रक्ट हम लोग करेंगे और ये जो है रेजिस्टेंस ऐसा हो जाएगा, दिस इज ए, दिस इज बी, ये आर और ये है तुम्हारा 5R/3, और ये दोनों अब किस में है? पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो आर इक्विवेलेंट फाइनल लिख लो, आर प्लस 5R/3 कितना आ जाएगा? 5R/3 डिवाइड बाय 8R/3, थ्री कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा? 5R/8। आया था किसी का? क्या नो मिस्टेक सर, किया, क्या गलती किया? सर मैंने वो दो पैरेलल मान दिया था, लेकिन ये जो सबसे लेफ्ट साइड वाला आ रहा है, नीचे वाला आ रहा है, मैं उनको वो दोनों के साथ पैरेलल में मान लिया और कर लिया। हाँ देखो, पैरेलल में तभी अज्यूम करना है, हमें कॉन्सेप्ट पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी मान सकते हैं पैरेलल में। हर एक पॉइंट को तुम अच्छे तरीके से देखो, कोई भी दो रेजिस्टेंस लो, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? नहीं, पैरेलल में नहीं हो सकता, है ना? इस तरीके से डिसाइड करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। नहीं, मैं वो दोनों को मिलके पैरेलल में माना। ये है ए और ये है बी, ऐसा, और सभी के रेजिस्टेंस आर है।
फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। चल करो। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, इन दोनों पोजीशन को काट, सभी का रेजिस्टेंस आर है। देखो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, जैसा मैंने ट्रिक बताया। सेकेंड का 2R, टू आर आ रहा है, ओके चेक कर लेंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा 2R, लिख दिया मैंने। अब देखो फर्स्ट वाले को सबसे पहले मुझे क्या करना है कि पोटेंशियल मुझे डिफाइन करना है। हमेशा कोई भी सर्किट जो तुम्हें लगे कॉम्प्लिकेटेड है सबसे पहले उसको नहीं रियलाइज सॉरी, करो, 4R/3। ठीक है। और आ जाए तो मैं इस जगह पे जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूँ और इस जगह पे वी पोटेंशियल अज्यूम कर लेता हूँ, जिसके क्रॉस मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होता है इक्विवेलेंट, उसको एक को जीरो और दूसरे को वी पोटेंशियल एज्यूम करना होता है। और फिर जैसे तुमने जीरो एज्यूम किया उसके हिसाब से हर एक जगह पे पोटेंशियल को डिफाइन कर देना है। तो मैं इस जगह का पोटेंशियल डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, और जहाँ का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे उस जगह का पोटेंशियल को एक्स एज्यूम कर लेना है। अब पोटेंशियल को वापस रीअरेंज करते हैं, सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल वी होगा, सबसे लोएस्ट पोटेंशियल होगा जीरो, और उसके बीच में ही होगा एक्स पोटेंशियल। और हर एक रेजिस्टेंस को देखो, पहला जो रेजिस्टेंस है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है, जीरो और बी के बीच में, तो मैंने पहला रेजिस्टेंस जीरो और बी के बीच में कनेक्टेड। दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है, वो जीरो और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, सॉरी जीरो एंड एक्स के बीच में, तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो भी एक्स और जीरो के बीच में कनेक्टेड है, ये भी एक्स एंड जीरो के बीच में कनेक्टेड, ऐसा कनेक्ट कर दिया। और सबसे जो लास्ट रेजिस्टेंस है वो किसके क्रॉस कनेक्टेड है, वो वी और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो ये वी एंड एक्स के बीच में कनेक्टेड। क्या अब ये सिंपल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है क्या, है ना? तो देखो कितना आसान हो गया, यस सर। वापस से अगर मैं सर्किट को रीअरेंज करता हूँ तो मुझे क्लियरिटी मिलती है, अच्छे तरीके से पता चलता है कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में। तो ये दोनों हो जाएगा तुम्हारा पैरेलल में, ये हो जाएगा आर बाई टू, इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो आर बाई टू प्लस आर कितना हो जाएगा, 3R/2, और आर के साथ आएगा फाइनली पैरेलल में, तो आर एंड 3R/2 ऐसा ही है ना। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू आर इंटू 3R/2 डिवाइड बाय आर प्लस 3R/2। आर ऐड कर लो, 3/2 + 1 कितना हो गया, 5/2 आर। आर आर कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, फाइनल आंसर कितना आया, 3R/5, ये फाइनल आंसर निकल आया था। किसी का आंसर नहीं सर। तो समझ गया ना हमारा कॉन्सेप्ट या फिर लॉजिक क्या होना चाहिए, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है उसको सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करो, हायर पोटेंशियल सर मैं और लोअर कन्वर्ट कर ही पोटेंशियल। रहा था, वो बीच के आपको किस में लो समझा नहीं ठीक है, अब नेक्स्ट वाले सर्किट को देखते हैं। सर। नेक्स्ट वाले इसमें सर्किट 5R/4 होगा, सॉरी। 5R/4, ओके हाँ सही है। तो मुझे ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, अगर तुम ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो हम लोग फिर से वही काम करेंगे, एक वी पोटेंशियल एज्यूम किया और एक जीरो पोटेंशियल एज्यूम करा, और जहां जहां पे पता नहीं है उस जगह पे पोटेंशियल को एज्यूम कर लेंगे। जैसे इस जगह पे पता नहीं तो एक्स एज्यूम कर लिया, और इधर एक्स एज्यूम किया तो ये सभी एक्स हो जाएंगे, मेरा सर्किट जो है वापस से रीअरेंज होने वाला है, और इस जगह पे जीरो।
पहला जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये किसके क्रॉस कनेक्टेड है, जीरो और एक्स के बीच में, तो जीरो और एक्स के बीच में कनेक्ट कर लिया। फिर बाकी सभी रेजिस्टेंस को देखो, वी और एक्स के बीच में कनेक्टेड है, तो क्या वो सभी रेजिस्टेंस इनफैक्ट पैरेलल में है? मैंने बोला ही था पोटेंशियल डिफरेंस अगर सभी के अक्रॉस सेम रहे तो सभी रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। तो एक दो तीन चार रेजिस्टेंस है टोटल। देखो रीअरेंज किया मैंने सर्किट को और कितना ज़्यादा सिंपल हो गया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आर बाय फोर, और ये आर आर प्लस आर बाय फोर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू फाइव आर बाय। समझ में आया क्या सबको? चलो सर आगे चलते हैं। और इस तरह के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और भी आएंगे कॉम्प्लिकेटेड, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लेडर प्रॉब्लम। और काफी स्टूडेंट को ये लेडर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है ये है क्या चीज। लैडर प्रॉब्लम का मतलब ये है कि एक सीढ़ी की तरह, स्टेयर्स की तरह रेजिस्टेंसेस लगे हुए होंगे जिस तरीके से, और ये जो पैटर्न है इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते जाएगा। एक लैडर की तरह दिख रहा है ना, सीढ़ी की तरह, और ये ऐसे से सेम पैटर्न कंटिन्यू है अप टू इन्फिनिटी, और सभी के रेजिस्टेंस आ रहे हैं, और तुमसे बोला जाएगा कि बताओ ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और सभी के रेजिस्टेंसेस आर आर इस तरीके से बोल दिया गया, या फिर और भी कुछ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, हम लोग पहचानेंगे बाद में, अभी मैं आर ले रहा हूँ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। ओके, तो पूछा जाएगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इफ दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन थिंग गोज ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्या करेंगे बताओ? सर लाइक वो तो इन्फिनिटी है, बट फिर भी अज्यूम करेंगे कॉर्नर से, वो राइट मोस्ट कॉर्नर से एक पार्ट से स्टार्ट किया हमने, तो वहां से मतलब उससे देखेंगे तो सीरीज सीरीज होते रहे, तो 2 आर का सीरीज, फिर चलो मैं से टू आर समझाता का हूँ, सीरीज। मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हुआ है, तो मान लो इन्फिनिटी को मैं बोल रहा हूँ 10^5, लेट्स से 10^5 टाइम्स रिपीट हुआ है इन्फिनिटी, इसको बोला जा रहा है, और इसका आर इक्विवेलेंट जो है वो लेट्स से 10 ओम आ रहा है, लेट्स से 10 ओम आ रहा है। तो अगर मैं इस 10^5 लूप में से एक लूप को बढ़ा भी दूं या फिर एक लूप को घटा भी दूं, तो भी आर इक्विवेलेंट पे मुझे कोई फर्क नजर नहीं आएगा, इट विल बी सेम। मेरी बात समझ में आई या ना आई? आया ना? मान सकते हैं ना, इन्फिनिटी में एक ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है, पैटर्न है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ है, बहुत बार, अनगिनत है, जिसको तुम काउंट ही नहीं कर सकते। तो मैं वही कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूँ कि एक को मैं ऐसा कर लेता हूँ, हटा देता हूँ, तो मान लो कि ए बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता वो एक्स होता, तो क्या चीज रिपीट हुआ है? तुम ध्यान से देखो, इतना सा जो पार्ट है वो ऑलवेज रिपीट हो रहा है। पहले सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है? दिस पार्ट इज रिपीटिंग एवरी टाइम, ये पार्ट रिपीट हो रहा है, एक तो हमें ये पता चल गया ये पार्ट रिपीट हो रहा है, और जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसी पार्ट को हम लोग को क्या करना है, एक को छोड़ देना है, लीव कर देना है। और वापस से रिड्रॉ कर रहा हूँ, इनफाइनाइट टाइम्स का। तो मैंने क्या किया,
एबी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट बोला जाता है कि एक्स है। तो मैंने इतने से पार्ट को छोड़ दिया और ये हमारा अब नया एबी है, लेट्स से ये हमारा नया बी है, तो क्या इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स होता? समझा गया? क्योंकि हाँ ये एबी काइंड ऑफ यही तो एबी है। अगर तुम इस पार्ट को डिलीट कर दो, इतने से पार्ट को डिलीट कर दो, स्क्रीन पे हाथ रखो और इसको डिलीट कर दो, देखो एग्जैक्टली सेम चीज दिखेगा तुम्हें, है ना? तो मैंने क्या बोला कि ये अब हमारा एक्स है, तो ये नया एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ होगा, ये वाला चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा। और क्योंकि ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस एक्स है तो वो किसके अक्रॉस है? इसके अक्रॉस, काइंड ऑफ ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने एक्स यहाँ पे लिख दिया, और ये आर है और ये आर है और ये है ए बी, और ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से कितना है? एक्स है। बस इसी सर्किट को सॉल्व करना है, इतना सा ही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट में तुम्हें को अगर कोई मतलब डाउट है तो पूछ सकते हो, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, बाकी अब इसमें कुछ बचा नहीं, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे सर, करेंगे? अगर फाइनाइट होता तो कैसे करते? फाइनाइट होता तो उसमें एक पैटर्न बनता है कि ये रेजिस्टेंस को ऐड करने के बाद यहाँ पे जो पैरेलल में रेजिस्टेंस बना है वो ऐड करने के बाद इसी के बराबर हो जाता है, तो एक पैटर्न बनता है, जब ऐड करते जाते हैं तो पैटर्न बनता है। सीट में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फाइनाइट के लिए तो हमें कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के तरीके से ही सॉल्व करना, सिर्फ इसी को इस तरीके से करना है, इनफाइनाइट होता है। तो ये आर और ये एक्स किस में है? पैरेलल में, और आर के साथ सीरीज में जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ एक्स, और इस आर के साथ क्या आ जाए? सीरीज में ये है ए और ये बी। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया फाइनली? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस ऑफ एक्स आर डिवाइड बाय एक्स प्लस ऑफ आर, और आर इक्विवेलेंट इटसेल्फ क्या है? एक्स, एक्स इज इक्वल टू आर प्लस ऑफ एक्स आर डिवाइड बाय एक्स प्लस ऑफ आर, और इस जगह से मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा और मुझे उसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स आर। देखो कुछ कैंसिल आउट वगैरह हो रहा है, एक्स आर कैंसिल आउट हो रहा है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स आर प्लस ऑफ सॉरी माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स निकल के आएगा, वो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, तो ये नेगेटिव है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए इक्वल्स टू आर प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ फाइव आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। बोलो प्लस साइन लेना चाहिए या माइनस साइन? प्लस प्लस प्लस, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, हमारा आंसर निकल के आ चुका है, दिस विल बी द आंसर। सबको समझ में आया क्या? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किसको रिपीट करवाना है, कौन सा चीज रिपीट हो रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे इसी में एक और वेरिएशन दे दिया जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ रिपीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो पार्ट रिपीट नहीं कर रहा होता है ना? जैसे कि मान लो इस जगह पे एक रेजिस्टेंस ऐसे दे दिया, तुम्हें क्या लगेगा कि ये पार्ट रिपीट करेगा? नहीं, ये पार्ट तो रिपीट नहीं कर रहा, कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है? इधर ये मैंने कहा ऐसा, सेम ऐसे चलते जा रहे, कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है?
ये पार्ट रिपीट करा ऐसा, है ना, ये पार्ट रिपीट करा। बेसिकली ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो एग्जैक्टली उसका ए इधर है और बी इधर है, समझा गया। तो अगर मुझे इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोला जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ, एक्स जो अभी हमने निकाला, और ये तो मान लो कि ये है तुम्हारा सी डी, सी एंड डी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट रिपीट कर रहा है और किसको रिपीटिंग में इंक्लूड करना है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तुम्हारा नया आंसर आर इक्विवेलेंट कितना होगा, एक्स प्लस ऑफ आर। ओके क्लियर है सबको, ठीक है। चलो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके लेके आना, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन सी अब तुम आराम से कर सकते हो। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज देखेंगे, और व्हीट स्टोन ब्रिज के बाद फिर हम लोग सिमेट्री देखेंगे कि रेजिस्टेंस में क्या क्या सिमेट्री होता है, और उस सिमेट्री के थ्रू हम लोग काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्यूब है और क्यूब के ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, है ना, थ्री डायमेंशनल सर्किट, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।